वेलकम टू सर फुटबॉल दोस्तों। इस हफ्ते AIFF डिसिप्लिनरी कमेटी मतलब ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन डिसिप्लिनरी कमेटी ने कुछ सस्पेंशन के घोषणा किए हैं, जिसके लिए खिलाड़ियों को कुछ मैचों के लिए बैन कर दिया है। सबसे लंबा बैन है केरला बस्टर FC की तरफ से, तो जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अभी तक 3 खिलाड़ियों के नाम सस्पेंशन ऑर्डर आए हैं। JAMSHEDPUR FC के कार्लोस काल्बो और चेन्नई सिटी के मेलसन अल्बेस को 3 मैचों के लिए सस्पेंड कर दिया गया है और उनके ऊपर 2,00,000 का फाइन भी लगाया गया है। JAMSHEDPUR के काल्बो को दिल्ली डेमोस के विरुद्ध कुछ रेशियल टर्म यूज करने के लिए सस्पेंशन मिला है। वो JAMSHEDPUR के ATK, MCFC और पुणे मैच से बाहर हो चुके हैं। वहीं दिल्ली के विरुद्ध ही CHENNAIYIN FC के मैच में दिल्ली डायनामोस के प्लेयर के ऊपर एल्बो चार्ज करने के लिए मेलसन अल्बेस को सस्पेंशन मिला है। वो CHENNAIYIN FC के नॉर्थ ईस्ट, पुणे और बेंगलुरु के मैच में बाहर रहेंगे। वही खराब फॉर्म से जूझ रहे केरला बस्टर FC को भी AIFF डिसिप्लिनरी कमेटी से बहुत बड़ा झटका मिला है। MCFC से 6-1 गोल से हारने वाले मैच में जकीर मुंडमपारा ने मैच रेफरी उमेश बोरा के ऊपर बॉल फेंक कर उनको असम्मान किया था, जिसके लिए AIFF डिसिप्लिनरी कमेटी ने उनको लंबे 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया है। साथ ही 1,00,000 का फाइन भी लगाया गया है। वो अगले 6 महीने तक किसी भी प्रोफेशनल फुटबॉल में खेल नहीं पाएंगे। तो आज के अपडेट में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए।